हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश ग्रामर एम्बिशन पर। मैं हूँ हैदर अली और मैं आज वर्ब के बारे में बताऊंगा, जो इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट है, पार्ट 38 में। तो उसकी परिभाषा देखेंगे। पहले वर्ब क्या है? वर्ब यानी क्रिया, इसको एक शॉर्ट फॉर्म है, इसको एडजेक्टिव नाम समझ लो। सेम वर्ड डेफिनेशन है, ए वर्ब इज अ वर्ड विच से समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट। ए वर्ब इज अ वर्ड मतलब क्रिया एक शब्द है जो कर्ता के बारे में बताता है, समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, कर्ता के बारे में कुछ बताता है। हम हिंदी देख लेते हैं। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं, वे वर्ब कहलाते हैं। इस तरह से है, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए वे वर्ब कहलाते हैं। तो मतलब जो भी काम होता है, जो कहीं करे, कोई करे, या कहीं होना पाया जाए, या खुद से खुद नेचुरल चीज़ें जो खुद से होती हैं वो भी क्रिया के अंतर्गत आती हैं। तो हम देखते हैं, पहला है द प्यून रिंग्स अ बेल, चपरासी घंटी बजाता है। ठीक है, रिंग्स मतलब बजाता है। तो ये इसमें जो वर्ड है, ये वर्ब है, रिंग्स मतलब घंटी बजाना, बजाना से है। द मदर ओपन्स द डोर, माता दरवाजा खोलती है, माँ दरवाजा खोलती है। द मदर ओपन्स द डोर, माँ दरवाजा खोलती है, ये जो है वर्ब है। और चौथा है द विंड इज ब्लोइंग, हवा बह रही है, ये वर्ब है। और चौथा हम देखेंगे, राम इज फॉलिंग, राम गिर रहा है, नहीं राम इज फॉलिंग, राम गिर रहा है। तो इसमें दो जो अलग अलग दिए गए, करना और ये करना है, जैसे द प्यून्स रिंग द बेल, ये काम का करना पाया जा रहा है, और जैसे द विंड इज ब्लोइंग, हवा का बहना, हवा बह रही है, हवा चल रही है, तो ये खुद से हो रहा है, नहीं नेचुरल चीज़ है, तो इसमें होना पाया जा रहा है। तो जिससे काम होता है या जिसे काम का होना पाया जाता है, वो वर्ड जो है क्रिया में रखे जाते हैं, वर्ब में रखे जाते हैं। इसकी टाइप देखेंगे, थोड़ा सा इसके आगे चर्चा करेंगे। ध्यान मतलब हिंदी में क्रिया वाक्य के अंत में आती है, किंतु अंग्रेजी में कर्ता के बाद आती है। मतलब हिंदी में क्रिया अंत में आती है, काम का जो वर्ब होता है वो लास्ट में आता है, और जो इंग्लिश में है वो सब्जेक्ट के बाद आता है, कर्ता के बाद आता है। और हम इसके बाद देखेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब। तो ये 5 तरीके का होता है, जिसे ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट प्रिडक्शन। ठीक है, इनट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडक्शन या लिंकिंग वर्ब। और है पांचवा ऑक्सिलरी वर्ब। तो हम इसमें एक किसी एक की आज चर्चा करेंगे। दोस्तों हम क्रिया का पहला देखते हैं टाइप, ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया। जिन क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो, वह सकर्मक क्रिया या कर्म सहित क्रियाएं कहलाती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। दोस्तों इसका सीधा मतलब है, सकर्मक मतलब कर्म, कर्मक के साथ, कर्ता के साथ, कर्म के साथ हो। जिन क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो वह सकर्मक क्रिया कहलाती हैं, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। जैसे है आई रीड द बुक, आई रीड द बुक, ये जो रीड है ये जो क्रिया है। दे प्ले फुटबॉल, ये प्ले जो है क्रिया है। और ही ड्राइव बाइक, वो गाड़ी चलाता है। तो ये सकर्मक कैसे होगी, आई रीड द बुक, यानी यहाँ रीड के साथ बुक लगी है, ये सकर्मक है। दे प्ले फुटबॉल मतलब प्ले खेलने के साथ, फुटबॉल लगा है, क्या खेल है वो है। ही ड्राइव द बाइक, ही ड्राइव बाइक, ड्राइव के साथ बाइक है, मतलब क्या चला रहा है वो भी दिया गया है। तो ये सकर्मक क्रिया है।